अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक प्रोफेशनल एंड एक्सपर्ट ट्रेडर हाई एक्सपीरियंस ट्रेडर्स एडवांस लेवल फॉरेक्स ट्रेडिंग ट्यूटोरियल है। अक्सर लोगों की ये ख्वाहिश होती है, उनका सवाल ये होता है कि हमने फॉरेक्स में प्रोफेशनल एडवांस लेवल ट्रेडिंग सीखनी है। फॉरेक्स एक समंदर है, जैसे कि आपने अक्सर लोगों से सुना होगा, हमारे ट्यूटोरियल्स के अंदर सुना होगा। कोई भी शख्स चाहता है कि इस समंदर के अंदर वो पूरे समुंदर पे काबू पा ले, आई थिंक मुमकिन नहीं है। फॉरेक्स एक बहुत वसी इल्म है, वसी टॉपिक है, और इस इल्म के अंदर आप जितनी ज़्यादा गहराई में जाएंगे इतने ही ज़्यादा आपको समझ लगेगी कि ये कितना गहरा है, और आप लोगों के लिए इतना ही मुश्किल हो जाएगा, इतना ही आपके ऊपर ये बिज़नेस खुलता हो जाएगा, ओपन होता जाएगा। आज प्रोफेशनल एंड एक्सपीरियंस ट्रेडर्स के लिए है, उन लोगों के लिए ट्यूटोरियल है जिनका 5 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है। लेकिन इस ट्यूटोरियल को शुरू करने से पहले मैं कहूँगा कि आप लोगों ने एडवांस लेवल से ज़्यादा आप लोगों ने बेसिक्स पे तवज्जो देनी है। ये जो चीज़ें हैं, ये जो आज मैं आप लोगों को एक ट्यूटोरियल दूंगा, 4-5 चीज़ें आप लोगों को समझाऊंगा, इन चीज़ों को शायद पाकिस्तान के अंदर 1-2-4 बंदों को पता हो, मैक्सिमम पता हो तो 10 बंदों को पता हो, मैक्सिमम बंदा मतलब बहुत कम लोगों को पता होगा। और ये जो एडवांस लेवल है, इसमें ज़्यादातर लोगों को इन चीज़ों का अगर नहीं भी पता होता तो उसके अंदर उनका मसला नहीं होता। ये बेसिक्स में से आप जितना ज़्यादा सीखेंगे, बेसिक्स के बाद जाकर आप कामयाबी की तरफ जाएंगे। लेकिन ठीक है, जिन लोगों का एक्सपीरियंस 5 साल या उससे ऊपर है, 4 साल उनसे ऊपर है, उन लोगों को आज 2-4 सवालात मैं समझा देता हूँ। आम लोगों को भी समझ आ जाएगी उम्मीद तो है, और उन सवालात के जवाबात भी आ जाएंगे। वो ऐसे सवालात हैं जो आप लोग डेली देखते हैं, डेली आप अपने मोबाइल के अंदर देखते हैं, कंप्यूटर के अंदर देखते हैं, लेकिन एडवांस लेवल है, आपके जहन के अंदर ये सवाल कभी भी नहीं आए होंगे कि ये सवाल क्या है, ये चीज़ें क्यों होती हैं। आज हम लोग 3-4 चीज़ों पर बात करेंगे। सबसे पहली चीज़ कि हम लोग कोई भी अकाउंट ओपन करते हैं, लाइक इस टाइम के ऊपर MT4 अकाउंट ओपन करते हैं, कोई भी MT4 ओपन करते हैं किसी भी ब्रोकर का डाउनलोड करके, तो उसमें पहला टॉपिक ये है कि नीचे जो सर्वर आ रहे होते हैं, ये सर्वर उस ब्रोकर के क्यों होते हैं। सबसे पहला सवाल ये है कि उस ब्रोकर के सर्वर क्यों होते हैं, बाकी ब्रोकर्स के सर्वर क्यों नहीं होते। दूसरी चीज़ हम बात करेंगे कि ये जो सर्वर है, इसका जो सर्वर कोड है, वो हम कैसे किसी भी ब्रोकर का किसी से पूछे बगैर हम फाइंड कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे ब्रोकर अपने सर्वर कैसे डाल देता है, और चौथे नंबर पे हम इस चीज़ पे बात करेंगे जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिगनर्स के लिए भी वो बहुत अच्छी चीज़ है, उन तमाम लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि आप किसी भी ब्रोकर का, लाइक आपके पास आर्कटेफेक्ट का ब्रोकर है, आप यूनिग्लोब के MT4 के अंदर उसके सारे के सारे सर्वर डालना चाहते हैं या FBS के सर्वर डालना चाहते हैं, तो किस तरतीब से इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। आज हम इन 4 चीज़ों पे बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ कि आपने किसी भी ब्रोकर का कोई भी सर्वर देखना है, तमाम ब्रोकर जो हैं उन्होंने अपने सर्वर का जो कोड है वो इस MT4 के अंदर डाला होता है। कैसे, कहाँ पे, आपने सबसे पहले इसके अंदर फाइल पे जाना है, ओपन डेटा फोल्डर पे जाना है। ओपन डेटा फोल्डर पे जाने के बाद आपका MQL4 पे आपने जाना है, सॉरी MQL4 पे आपने नहीं जाना, बल्कि आपने जाना है कॉन्फ़िगर पे। इसके अंदर हमारे पास ये ArctaFX का है, तो ArctaFX के 2 सर्वर इधर से पड़े हुए हैं, एक ArctaFX रियल है, एक ArctaFX डेमो है। तो ArctaFX का जो रियल है, इसको हम डबल क्लिक ओ करेंगे, तो नोट पैड के ऊपर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो इस जगह के ऊपर ये हमारा एक सर्वर आ जाएगा, 176.56.160.2। अगर हम किसी भी ब्रोकर के MT4 के अंदर, ये यूनिग्लोब का MT4 ओपन हो गया, इसके अंदर अगर हम लॉग इन करते हैं और इस जगह के ऊपर हम डिलीट करके हमें ये सर्वर ऐड कर देते हैं, तो हमारा यूनिग्लोब के ब्रोकर के अंदर हमारा अकाउंट ArctaFX का आ जाएगा, क्योंकि हमारा जो सर्वर है वो सर्वर हमारे पास ऐड हो चुका है, हमारे सर्वर कोड ऐड हो चुका है। ये भी शायद चंद लोगों को थोड़ा मुश्किल से समझ आए, ये तो एक कंप्यूटर के अंदर अगर आप 10
अकाउंट एक ब्रोकर को ओपन करना चाहते हैं एक ही टाइम के ऊपर लॉगिन और ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो ये तो सिंपल सी बात है कि आप सर्वर कोड ऐड करते जाएं। लेकिन अब हमारा सवाल ये है कि दूसरा सवाल हमारा ये है कि एक ब्रोकर के अंदर वो किस तरतीब से सर्वर डालते हैं। हम आक्टा एफएक्स का अकाउंट ओपन करते हैं, MT4 ओपन करते हैं, जैसा कि आपने मुझे भी सुना होगा, दूसरे लोगों से भी सुना होगा, एक्सपीरियंस लोगों से भी सुना होगा, बिगनर्स लोगों से भी सुना होगा कि MT4 पीछे से एक होता है। तो किस तरतीब से MT4 के अंदर हर ब्रोकर अपने सर्वर डालता है, तो आप फाइल के अंदर जाएंगे, ओपन डेटा फोल्डर के अंदर आपने आना है, MQL4 के नहीं, ये कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आपने आना है और ये देखें कि इस जगह के ऊपर हमने हमारे ये सर्वर पड़े हुए हैं। तो जो फाइल होती है सर्वर की वो कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाकर डाल देते हैं और वो इसी जगह के ऊपर आप जैसे अकाउंट लॉग इन करते हैं वो आ जाती है। लाइक अभी हमारे पास ये कॉन्फ़िगरेशन में ये हमारे पास यूनिग्लोब का MT4 है और इसके अंदर हमारे पास सिर्फ 3 सर्वर पड़े हुए हैं। अब सवाल ये होता है कि ये जो 3 सर्वर हैं हम अपना कोई भी सर्वर कैसे ऐड कर सकते हैं। तो यूनिग्लोब का है, मैं आपको बताता हूँ, आपने सबसे पहले उस ब्रोकर के अंदर जाना है, बल्कि छोड़ दें मैं आपको इधर से ही बता देता हूँ, मैं किसी बड़े ब्रोकर का FPS का जिसके अंदर सर्वर ज़्यादा होते हैं उसका मैं MT4 ओपन करता हूँ, उसके बाद आसानी से आप लोगों को समझ आ जाएगी। ये जो सर्वर्स हैं ये यस ये देखिए, हम कोई भी अकाउंट ओपन करते हैं इनका, तो अकाउंट्स की जगह पे हम जैसे ही लॉग इन पे जाते हैं तो हमारे पास FBS का सर्वर 9 है, FBS डेमो है, 1-2 से लेकर हमारे पास 9 तक सर्वर है। अब आपने किसी भी अकाउंट के ऊपर ओपन करना है तो आपने फाइल के अंदर आना है, उस ब्रोकर के अंदर जिसके सर्वर आप कॉपी कर रहे होते हैं कॉन्फ़िगरेशन पे आना है और इस जगह के ऊपर हम क्लिक करेंगे और ये सारे के सारे जो 10 सर्वर हैं इनको हम इस जगह से कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हमने क्लोज कर लिया, ये हमने FBS का सर्वर ओपन किया था। अब हम यूनिग्लोब के सर्वर के ऊपर आते हैं, तो हम इस जगह के ऊपर आते हैं, फाइल, ओपन डेटा फोल्डर, एम कॉन्फ़िगरेशन, और इस जगह के अंदर आकर हमने ये रिप्लेस कर देते हैं, रिप्लेस कर दी, ये सर्वर हमने कॉपी कर लिए और हमने यूनिग्लोब का हमारा अकाउंट था हमने इसको एक बार क्लोज़ कर देना है, MT4 को एक बार हमने क्लोज़ कर देना है। MT4 को जब हम एक बार क्लोज़ करेंगे दूसरी बार हमें मतलब इसको हम रीस्टार्ट करेंगे तो उस टाइम के ऊपर ये भी देखें, अभी हम अकाउंट्स के अंदर आते हैं, लॉग इन टू ट्रेड अकाउंट आते हैं और इस जगह के ऊपर देखें तो आपको FBS के जितने भी सर्वर हैं, हालांकि अगर आप ऊपर देखें तो ऊपर ये ब्रोकर, ये MT4, ये यूनिग्लोब का अकाउंट लॉग इन है, लेकिन यूनिग्लोब के अंदर ये आप इनका निशान भी देख सकते हैं। लॉग इन टू ट्रेड अकाउंट के ऊपर जाते हैं तो इसके ऊपर जो हमारे सर्वर हैं वो सर्वर FBS के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये हमने ऐड कर दिए हैं और इस तरतीब से आप एक ही कंप्यूटर के अंदर 10 MT4 डाउनलोड करें और सब के अंदर आपका एक सर्वर है, आक्टा FX का है, यूनिग्लोब का है, FBS का है, इंस्टा का है, XM का, मतलब किसी भी ब्रोकर के MT4 है, तो आप इस तरतीब से सारे सर्वर उधर से कॉपी पेस्ट करते रहेंगे, एक MT4 से कॉपी करें बाकी तमाम MT4 में पेस्ट करते रहेंगे तो आपके वो तमाम के तमाम इस जगह के ऊपर ऐड होते रहेंगे और इस तरतीब से आप किसी भी सर्वर को इस तरतीब से लॉग इन करेंगे। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रह गया कि क्यों हर MT4 के अंदर मुख्तलिफ सर्वर आते हैं, वो इस वजह से आते हैं कि जो भी आक्टा का MT4 है तो उसने फाइल ओपन डेटा फोल्डर ये इसके अंदर आप देखेंगे तो उन्होंने जो अपने दो सर्वर होते हैं वो डाले हुए होते हैं। आप देखें ये इन्होंने जो भी लैंग्वेज है मेरी इस तो समझ से थोड़ी सी ऊपर किया है लेकिन जैसी भी है तो इसके अंदर ये SRV फाइल है, इसको हम नोट पैड के ऊपर भी ओपन कर सकते हैं। इनका अगर हमने सर्वर कोड देखना है तो सर्वर कोड इस जगह से ऊपर से हम लोग कॉपी कर सकते हैं, किसी का सर्वर कोड भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन जो बिगिनर्स टाइप के लोग होते हैं जो एक कंप्यूटर पे 10-10 अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो उसके अंदर
हमारे पास हम पूरी की पूरी फाइल कॉपी करके अगर हम दे दें तो हमारा कोई भी MT4 होगा, किसी भी ब्रोकर का MT4 होगा तो उसके अंदर दूसरा सर्वर ऐड हो जाएगा। और जो आक्टा है, जो दूसरे जितने भी ब्रोकर्स हैं, ये ब्रोकर्स के सर्वर सिर्फ इस वजह से इनके अपने शो होते हैं क्योंकि उन्होंने बाकी उधर से रिमूव करके इधर से उन्होंने ऐड कर दिए होते हैं। तो आज का जो हमारा ट्यूटोरियल था, ये ट्यूटोरियल थोड़ा सा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस लेवल के जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए है। नो डाउट बिगनर्स के लिए भी इसकी अहमियत है, उनके लिए भी इसके काफ़ी फ़वाद हैं। लेकिन इन चीज़ों को अगर आप नहीं समझते, और पाकिस्तान में बहुत कम लोग हैं जो इन चीज़ों को समझते हैं, तो फिर भी आपका गुजारा हो सकता है। लेकिन अगर आप बेसिक्स नहीं समझते आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। इंशाल्लाह मैं एक पूरी सीरीज़ निकाल लूँगा बहुत जल्द, जब हमारे 1000 ट्यूटोरियल हो जाएंगे तो उसके अंदर हम एडवांस लेवल पर बात करेंगे। इसके अंदर जस्ट इतना होगा कि अगर आप आपको इन चीज़ों का नहीं पता होगा, MT4 का सर्वर का कैसे कॉपी करते हैं, तो आई थिंक आप लोगों को यही बात कही जाएगी कि आप बिल्कुल ही इस फील्ड के अंदर अनाड़ी हैं, आप कोई खिलाड़ी नहीं हैं और आप नाका, आपको एजुकेशन है ही नहीं, आपका कोई टीचर भी नहीं है, आपका टीचर भी एमिस आई है। तो इन चीज़ों को अगर आप देखेंगे, आप समझेंगे, तो आई थिंक आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा। उम्मीद है आज जो चीज़ मैंने आपको सिखाई है वो आपको पहले पता नहीं होगी। कोई सवाल बनता है पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।